गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एंड आर अपना मॉर्निंग केयर में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं, हार्ट डिजीज इन इंडिया, ये टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंडिया में हार्ट डिजीज के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं और उसमें क्या रीजन है, उसको हम कैसे बच सकते हैं, और मोदी केयर में कौन सा हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हार्ट डिजीज में मदद करता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हार्ट डिजीज एक बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी है, जिसका रीजन क्या होता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो एक मेन रीजन होता है, और हम अगर स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस भी हमारे हार्ट डिजीज के लिए बढ़ावा देता है। स्मोकिंग, सभी को पता है दोस्तों, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, बट सभी लोग करते हैं, बट वो क्या होता है, वो भी हमारे हार्ट डिजीज के लिए बढ़ावा देता है। और इम्प्रॉपर ईटिंग, जैसे इम्प्रॉपर ईटिंग में क्या होता है कि हमारा इतना फास्ट लाइफ है, हमें अच्छे से बैठ के खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। कभी ब्रेकफास्ट चलते चलते ब्रेकफास्ट किया, या कोई स्ट्रीट फूड जो लिया, बाहर का जंक फूड लिया, जो भी लिया, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको नहीं मिलता है, और ये भी एक रीजन होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और हमारे जो ब्लड की वेसल्स है वो नैरो होती जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और ये भी हार्ट डिजीज का एक रीजन होता है। और ओबिसिटी, जो हमारा इम्प्रॉपर डाइटिंग होता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा ओबिसिटी होता है, ओबिसिटी ही ज्यादा होगा तो हमें हार्ट का बीमारी हो सकता है। और डायबिटिक पेशेंट में भी क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस तरह से कई सारे आप सर्वे भी देखे होंगे, कई रिपोर्ट देखे होंगे, जिसमें इंडिया में बहुत सारे आपको पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि जो क्या कहते हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मोदी केयर में अपना एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि हार्ट केयर के लिए बहुत ही फेमस है, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिलता है। जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेल का कार्डियो एक्टिव के बारे में, जो कि एक हार्ट के पेशेंट के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमें टेक केयर कैसे करना होगा अपने हार्ट के लिए, तो कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों डाइट। डाइट में हमको क्या करना है, लेस कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो जो भी प्रोडक्ट हम इंटेक कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है और क्या हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उतना कार्बोहाइड्रेट मतलब उतनी कैलोरी हम जितना ले रहे हैं उतना हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, आउटपुट मतलब वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं, उतना बर्न हो रहा है कि नहीं। अगर ज्यादा होगा तो वो बाद में स्टोर होते होते आपको ओबिसिटी होगा और बहुत सारी डिजीजे उससे होती हैं। तो हमारे जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और ऑयल कम होना चाहिए दोस्तों, और हैव लेस सेचुरेटेड फैट। तो जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, जो तरह तरह के ऑयल यूज करते हैं, उन सबको हमें हटा के सेचुरेटेड फैट, जिसमें लेस सेचुरेटेड फैट होता है, उसको हमें यूज करना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा है आपका मोदी केयर का राइस ब्रान ऑयल, इसको आप यूज करिए, हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है उससे। और एक्सरसाइज, आपको डेली हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना ही है, आप वीकली आप 5 डेज ही आप एक्सरसाइज करिए, हाफ एन आवर आपको रेगुलर करना चाहिए, वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर दोस्तों आप स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे करके क्विट करिए, उससे छोड़ दीजिए, वो आपके हार्ट के लिए बहुत ही मतलब नुकसान देता है, उस चीज को आपको छोड़ना होगा। और कंट्रोल बॉडी वेट, आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करिए, आप अपना BMI चेक करिए, आपका हाइट और वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए, इसको आप मेंटेन करिए। और बात करते हैं दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, अगर आपको है तो वो भी एक हार्ट डिजीज के लिए काज होता है, तो उसको भी आप अपना मेंटेन करके रखिए। उसके लिए बहुत सारे फूड सप्लीमेंट में मोदी केयर में आप उसको भी लेके कर सकते हैं। और दोस्तों, फूड रिच इन न्यूट्रिशन एंड फाइबर, जो भी हम फूड ले रहे हैं वो कितना उसमें न्यूट्रिशन है और उसमें फाइबर भी होना जरूरी। फाइबर के लिए हम देखते कई सारे फाइबरस फूड होते हैं, उनको हमें लेना चाहिए। और जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें हमें सलाद की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं, हमें फाइबर मिलता है, और फाइबर मिलता है, फाइबर का है पूरा आपका इंटेस्टाइन को सफा करके रखता है, और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं उससे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, लुक टुवर्ड्स द वंडर ऑफ द नेचर्स। तो आप नेचर के जो
वंडर्स हैं, उनका आप उनको देखिए, उनका आनंद लीजिए, अपने बॉडी अपने मतलब माइंड में स्ट्रेस मत रखिए, और ताकि आप एक आप मतलब हेल्दी हार्ट आपका हो, आपको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं हो सकता है। और दोस्तों हम बात करते हैं मोदी केयर के वेल कार्डियो एक्टिव के बारे में, तो इसमें कई सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक, कई सारे ऐसे आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन्स हैं जो कि आपको एक फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है और आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो उसी क्रम में मोदी केयर का जो कार्डियो एक्टिव है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों आपको। जैसे फर्स्ट जो आता है, जिसको हम अर्जुना के नाम से जानते हैं, उसको हम बॉटेनिकल नेम जो उसका होता है टर्मिनेलिया अर्जुना होता है। इसका क्या काम होता है, ये टॉनिक की तरह काम करता है हार्ट हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को एक टॉनिक की तरह काम करता है, और ये सपोर्ट करता है आपके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, और ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। तो मतलब अगर आपका हाई है या लो है तो उसको भी ये नॉर्मल करता है, और प्रमोट हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी हेल्दी रखता है, और स्ट्रेंथन द हार्डर मसल्स, इट्स नेचुरली रिच इन CoQ10। तो ये भी क्या करता है, हार्ट की जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूती देता है, और सपोर्ट करता है पंपिंग एक्शंस को, जो हार्ट का जो पंपिंग मतलब जो फंक्शन होता है पंप करना, उसको फंक्शनिंग में वो सपोर्ट करता है अर्जुना। तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है अर्जुना का। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसको हम गूगल के नाम से जानते हैं, इसका बॉटेनिकल नेम है दोस्तों कैम्बिफोरा विजिटी। तो इसका क्या फंक्शन होता है, सपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल्स को लेके, और इसको मेंटेन करता है ये आपका जो एलडीएल होता है, जिसको लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, और दूसरा होता है हायर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको वो नॉर्मल लिमिट में रखता है और मैनेज करता है ये ओबिसिटी के लिए। गूगल का जो फंक्शन है ये ओबिसिटी को भी मैनेज करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा का क्या काम है, ये आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये आपको स्ट्रेस, इनएक्सिटी एंड फटीग एंड प्रीमेच्योर एजिंग से आपको बचाता है, और उसको क्या कहते हैं, ये सब उसके बेनिफिट हैं अश्वगंधा के। और उसके बाद आता है दोस्तों पोमग्रेनेट, जिसको हम अनार के नाम से भी जानते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है ग्रेंटम। तो ये क्या होता है, रिच सोर्स होता है विटामिन में, और वो भी विटामिन क्या है, ACE और फोलिक एसिड इसमें होता है, और जिसको कि हम एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी होती है उसके बारे में भी जानते हैं। और ये क्या करता है, आपके हार्ट डिजीज में बहुत हेल्प करता है, ये LDL के ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है, जैसे कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी होती है। और उसके बाद आता है दोस्तों गोटूकुला। गोटूकुला क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है और हेल्प करता है आपके स्ट्रेस लेवल को और एनर्जिटी को रिड्यूस करने में, और हेल्प करता है दोस्तों इम्प्रूव मेंटल फंक्शंस, जो भी आपके मेंटल फंक्शंस है, जो नर्वस सिस्टम है उसको भी हेल्प करता है गोटूकुला। और लास्ट में इसमें आता है आपका शंख भस्म। शंख भस्म क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फेरिक होता है मतलब आयरन होता है, जो कि मसल्स को स्ट्रेथन करने के लिए, हार्ड मसल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए यूज होता है शंख भस्म। तो इतने सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे कार्डियो एक्टिव में। और दोस्तों इसको लेना कैसे होता है, 1 टेबलेट 2x डेली बिफोर मील, मतलब हमें खाना खाने के पहले मतलब लंच के पहले और डिनर के पहले एक एक टेबलेट लेना होता है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हार्ट केयर के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है या कुछ भी है, अपने हार्ट को हेल्दी भी रखना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला होगा इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर दोस्तों आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमको वैल्यू देते हैं, और जो कि हमको मोटिवेट करता है ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे,
और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का इस प्रोडक्ट का बेनिफिट लेंगे और आपको एक हेल्दी हार्ट ना रखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।